मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुमरा वाई जंक्शन यानी मुमरा बाईपास पर, और बाईपास पर आप ऊपर देख सकते हैं कि बाला साहेब की शिवसेना का यहां पर महाराष्ट्र माथाड़ी वाहतूक व कामगार संगठन का कार्यालय है। और यहां पर जो है एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना को लेकर यहाँ सब निंदनीय करने खड़े हैं और इसका निषेध करें, क्योंकि इनका जो शिवसेना का हम कह सकते हैं पोस्टर है और साथ में जो झंडा है उसे यहाँ से हटाया गया और फाड़ा भी गया, ऐसा इनका आरोप है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्हें कैसे मालूम पड़ा और ये पूरा क्या मामला है। सर, क्या नाम है और ये क्या मामला है? मेरा नाम एजाज है और ये मामला सुबह एक्चुअली 7 बजे अपने शब्बीर भाई ये देखे और ये देख के तुरंत इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके इन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पे ऐसा झंडे जलाए गए हैं, झंडे निकाले गए, और हम लोग यहाँ पे जब 9 बजे आके पहुँचे तो पूरा देखे कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद चौकी में हम लोग गए और चौकी में सीनियर साहब अवेलेबल नहीं थे तो निगम साहब से बात किया। निगम साहब ने बोला कि आपको पूरा इसके ऊपर कार्रवाई होगी, एक वो दिया है, आश्वासन दिया है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, इस बारे में आपके उच्च लेवल के कार्यकर्ताओं को मालूम है ये बात? हाँ, अपर लेवल के सबको मालूम, हम लोग ने मैसेज पहुंचा दिए, अनवर भाई ने भी मैसेज पहुंचा दिए, तो सबको इस बारे में मालूम है। क्या लगता है किसी का षड्यंत्र होगा या कोई राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? आजकल वैसे भी मुमरा में बहुत गंदी राजनीति हो रही है, शायद बोल सकते कि ये राजनीति का भी एक हिस्सा हो। लेकिन इस घटना को लेकर आप आगे क्या करोगे और किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अब आगे इस घटना को लेकर आगे हमारे वरिष्ठ जो बोलेंगे वो हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, किसी का आप पर शक है, कोई पार्टी लेवल का या किसी ने? अभी कैसा है, कैमरे फुटेज में देखे तो कैमरे फुटेज में फ़ोटो बरोबर आई नहीं है और अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और वैसे ये पॉलिटिक्स कोई सादा आदमी तो करेगा नहीं, ये पॉलिटिशियन ही करेगा। अगर ये झंडे बिंडे का ये पॉलिटिशियन से ही लेना तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल इसमें कुछ लुकआउट हो। यानी आप पूरी तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हो? और हाँ, पूरी तरीके से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से इनका कहना है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झंडे को बेदर्दी से तोड़ा गया, जलाया गया, अब ये कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये देखना है कि इस पूरे मामलात को लेकर कैसी कार्रवाई होती है और किस तरीके की जाँच यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। कैमरामैन नावेद कुरेजी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।